केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने नितिन गडकरी के बयान पर कहा कि भाजपा ने जो कहा था उससे ज्यादा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल वादे करना है। उन्होंने 70 सालों में वादे ही तो किए। उन्होंने कहा कि हमने जितना कहा उतना किया भी। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम किया है जो उन्होंने बोला था। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। उस गरीब के घर में लाइट पहुंची, उस गरीब के घर में उज्ज्वला सिलेंडर पहुंचा, उस गरीब के घर के लिए जीवन सुरक्षा बीमा दिया। और मैं कह सकती हूं कि जो बरसों से मांग चल रही थी ओबीसी कमीशन की, उसको दिया, दलित समाज को दिया, और सामान्य वर्ग में जो पिछड़े लोग थे आर्थिक आधार से उनको दिया। तो मैं कह सकती हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है उससे ज़्यादा किया है। मैंने तो कह दिया ना कि आज़ादी के बाद से अभी तो कांग्रेस वादे ही तो करती रही है, वादों के अलावा किया क्या है। आज भी 70 साल के बाद अंधेरे में लोग रह रहे थे, आज भी 70 साल के बाद लोग बेघर के हो रहे थे। तो हम उन लोगों ने वादा किया, हमने काम किया। ये उनकी पार्टी का विषय, मेरा विषय नहीं है। अब ये कोई बड़ा आश्चर्य थोड़ा है परिवार से कोई निकल के आया। धर्म पे विश्वास है, हमें कोर्ट पर भी विश्वास है, और ये धर्म संसद हो रही है उस पर भी मंथन। लेकिन फिर टाल दिया गया है, सुनवाई का डेट टाल दिया। देखिए कोर्ट का जो एक कमेटी बनी उनमें कोई बीमार हो गया तो स्वाभाविक उसको होती है। राजनीति में मुद्दों की आलोचना होनी चाहिए, व्यक्तिगत किसी को नहीं।